गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और फ्रेंड्स देखिए, आज जो है मौसम बिल्कुल क्लियर है और आज जो है दिन भर बहुत अच्छी धूप लगने वाली है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का चीला, और इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े कप के करीब बेसन, और इसमें मैं थोड़ा टेस्ट के लिए 2 बड़े चम्मच इसमें मैं सूजी ऐड कर दूँगी। और मैंने दिया है 1 कप के करीब पानी। इसको अब अच्छे से फेंट लेंगे। इसको मैं भिगा कर कम से कम इसको मैं आधा घंटा के लिए रख दूँगी। बेसन का चीला जो है मैं बना रही हूँ नमकीन, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 मिर्च, ये मिर्च काफ़ी तेज है। इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 छोटे प्याज, तो आप जो है इसमें कोई भी वेजिटेबल जो आपने पसंद की हो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ ब्रेकफास्ट में ऐसा लगता है कि आज क्या बनाए, तो सुबह सुबह जो होता है काफ़ी जल्दी में होते हैं हम लोग का, घर का जो है काफ़ी काम होता है सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि चलो आज बेसन का चीला बना लेते हैं। इसको अभी मैं काट कर रख लेती हूँ, फिर आधा घंटे के बाद जो है इसको करते हैं बनाने की तैयारी। इसमें मैं डालूंगी टमाटर भी, इसमें मैं डालूंगी टमाटर, ये छोटे छोटे मेरे यहाँ पर क्यारियों में लगे हुए हैं टमाटर। तो इसको मैं रोज 2-3 निकल आते हैं मेरे। और फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि अभी मार्केट में भी जो है टमाटर काफ़ी महंगा है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो है थोड़े थोड़े करके 2-3 करके निकल ही आते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़े से इकट्ठे करके रखे हैं। और ये जो बेबी टमाटर होता है ये काफ़ी टेस्टी होता है, ये काफ़ी खट्टा होता है, और एकदम से अगर आप सब्जी में डालोगे तो ये एकदम से गल भी जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको जो है मैं काट लेती हूँ छोटे छोटे पीस में। इसमें मैं बारीक लहसुन का पत्ता भी काट दूँ, और इसमें डालेंगे धनिया। ये धनिया के पत्ते, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर तो जो है
कोई भी जो हम खाना वगैरह कुछ भी बनाते हैं हम लोग, तो धनिया के पत्ते के बगैर तो जो है अधूरा है। तो इसको, धनिया का जो पत्ता है, इसको भी मैं बारीक काट लेती हूँ। तो अब इसमें मैंने जो प्याज काट के रखे थे, वो प्याज और धनिया और टमाटर वगैरह सब भी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। फिर उसके बाद जो है इसमें मैंने एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाला है, और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी जो है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने स्वाद के हिसाब से इसमें डाल देंगे नमक। और मैंने गैस में जो है पैन भी रख दिया है गरम करने के लिए, तो मैं इसको बना रही हूँ नॉन स्टिक पैन में, ताकि जो ये है फिर चिपकेगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आप जो ये चीला जो है बेसन का, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा ब्रेकफास्ट में, तो ये जो है बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपको भी, तो आप लोग जो है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको जो है ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं। अगर ये थोड़ा गाढ़ा हो गया तो इसमें जो है थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। बेसन को जो है मैंने पैन में डाल दिया है, और पैन में डालने के बाद इसको मैंने ढक दिया है ताकि ये जल्दी पक जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने मीठा भी बनाया है, तो मैंने जो दिवाली में फीनी बनाया था, तो उसके जो है थोड़े से बच गए थे पापड़ी वगैरह, और चीनी वगैरह जो थोड़े से वेस्टेज बच गए थे, तो उसमें जो है मैंने थोड़ा सा आटा मिलाकर इसको मैंने मीठा बना दिया। तो अब मैं पैन में जो है दूसरी तरफ मैंने घी डाल दिया है, और अब ये मैं डाल रही हूँ मीठा चीला, और ये मैंने बनाया है आटे का, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट बनकर हो गया है तैयार, और ये है बेसन का चीला और ये है मेरा मीठा चीला, और मैं ले रही हूँ सॉस के साथ। तो आप लोग भी जो है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी है शाम का टाइम, और अभी मैं बना रही हूँ चाय, और मौसम भी जो है शाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो अभी मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, तो गाजर को जो है मैंने अभी वहाँ कद्दूकस कर लिया हुआ है। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय भी, और मैं हलवा भी बना रही हूँ। तो मैंने कुकर में जो है घी डाल दिया है, अब मैं इसको कर लेती हूँ फ्राई। गाजर को जो है घी में थोड़ी देर के लिए मैं भून लेती हूँ, उसके बाद फिर इसमें मैं लगा दूँगी 2 सीटी, तो फिर ये गाजर जो है ये गल जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको, फिर इसमें मैं डाल दूँगी दूध।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मैं अब आपसे मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।